दोस्तों जब मैं बच्चा था ना तो शैम्पू के नाम पर आठ आने वाली चिक और क्रीम के नाम पर सरसों का तेल चुपड़ दिया जाता था। लेकिन आजकल के बच्चों के बड़े मजे यार, उनके लिए अलग अलग टाइप की क्रीम है, शैम्पू है, पाउडर है। इसलिए आज की इस वीडियो में मिस्टर टेक बोला आपको बताने वाले हैं बच्चों को लगाने वाले पाउडर बनाने के पूरे प्रोसेस को, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बेबी पाउडर बनाने की शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल को जमा करने से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कॉर्न स्टार्च, जिसे अगर जमुना पार की भाषा में कहा जाए तो मक्के का आटा। इसके रोल मटेरियल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, जो बच्चों की स्किन पर हुए फुंसी और घमौरियों को कम करने का काम करता है। और तीसरा और सबसे आखिरी मटेरियल है एलोवेरा। बेबी पाउडर में एलोवेरा का खूब यूज किया जाता है क्योंकि जबरा खुशबू के साथ साथ आपके बेबी की स्किन को सूखने भी नहीं देता है। सभी रॉ मटेरियल को जमा करने के बाद उन्हें एक बड़े से ऑटोमेटिक एडवांस प्लांट में प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, क्योंकि इस प्लांट में बच्चों का सामान तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ के वर्कर्स खुद को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही अपने अपने वर्क स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ सबसे पहले स्टेप में एक टैंकर में पानी भरकर उसे अच्छे से फिल्टर कर दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स हाथों की मदद से सभी रॉ मटेरियल्स के पैकेट्स को फाड़कर कुछ इस तरह से पानी में भरे उस टैंकर में डाल देते हैं, और इस हर एक खटके को दबाकर इसके ब्लेंडर को ऑन कर दिया जाता है। मिक्सिंग मशीन ऑन होने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद इस मशीन को ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि पानी में तीनों रॉ मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बेबी पाउडर बनाने के इस नेक्स्ट प्रोसेस में पानी से बने स्पेस को पाउडर बदल दिया जाता है, और पाउडर बनाने के बाद इसे वैक्यूम सेक्शन की मदद से फैक्ट्री के दूसरे यूनिट यानी कि फिलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां फैक्ट्री के वर्कर से कन्वेयर बेल्ट पर पाउडर के खाली डब्बों को लाइन से ठीक ऐसे लगा के चलते हैं जैसे मेरे पीटी टीचर स्कूल में लगाते थे। आगे खाली डब्बे कन्वेयर से होते हुए इस नोजल के नीचे आते हैं, जहां पहले से कंप्यूटर के हिसाब से दिए गए कमांड के मुताबिक ये नोजल खुले रहते हैं और इन डब्बों को भरे रहते हैं। ये फिलिंग मशीन इतनी एडवांस होती है भैया कि पाउडर भरते टाइम 1 ग्राम पाउडर भी इधर उधर नहीं गिराती। जिन डब्बों में पाउडर भर जाता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां इन पाउडर से भरे डब्बे पर ये मशीनें कुछ इस तरह से कैप लगा देती है और आगे चेकिंग डिपार्टमेंट में भेज देती हैं। चेकिंग डिपार्टमेंट में जाने के बाद इन डब्बों को कंप्यूटर स्कैनर की मदद से जांचा जाता है, और सब कुछ ओके की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे आगे ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन डब्बों को कंपनी अपने हिसाब से ब्रांडिंग और अपने लेबल को चिपका कर आगे पैकिंग लॉट में भेज देती है, जहां फैक्ट्री के वर्कर्स कुछ इस तरह से इन बड़े बड़े कार्टन बॉक्स को पैक करके स्टोर रूम में भेज देती है, जहां देश और विदेश से आने वाले ऑर्डर के हिसाब से इसे घर घर पहुंचा दिया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए मैं इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।